सबको देख लीजिए। रुकिए रुकिए सेंटर। बाद में फोटो देख लेते हैं। सोलो सोलो सर बोलो सर इधर देखिए सर इधर सामने में सर राइट में सर सामने देखिए इधर राइट में सर ये उधर लुक सेंटर सर ऑली कार
मिस्टर शोएब साहब कैमरा पीछे अरे पोडियम ला पोडियम अरे रुक जा पहले विशाल हट जा अभिषेक अभिषेक बुलवा देते यार जान देना अभिषेक हट जा अंशुमन अंशुमन गौरी भैया इधर पांडे जी पांडे जी अनंत अनंत पांडे का पांडे क्या बोला गौरी भैया आप इनके साथ रही आपने इनकी मदद की है पांडे जी को कम सही उन्होंने टेलीफोन किया था ना पांडे जी ने और कहा है पांडे अनंत इंडियन मीडिया इज द क्रेजिएस्ट आ जा अनंत पांडे पांडे यार तू अब मेरे साथ रहना यार इधर चलो सब चलो जी ये मूवी ने काफी लोगों को इंस्पायर किया काफी लोग अभी भी रील्स इतने सारे वायरल हो रहे हैं आप सभी के क्या कुछ कहना चाहोगे ये जर्नी काफी इंस्पायरिंग रही आप लोगों के लिए सी मैं ये कहूँगा कि ये जो फिल्म बनी है ये जो सारे लोग और बाकी जो क्रू यहाँ पे नहीं है पीछे खड़ा है उनके बगैर नहीं बन सकती तो ये सब ने मिल के फिल्म बनाई है हम लोगों ने और इस फिल्म में यही खासियत है इस करके इतने लोगों को हमारे देश में देश के बाहर चाइना में फिजी में हर जगह लोगों को पसंद आ रही है क्योंकि दिस इज़ नॉट अ शो ऑफ वन मैन सेइंग आई एम द डायरेक्टर सी माई फिल्म इट्स रियली ऑल ऑफ अस टुगेदर हुज़ डन इट आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सेप्शनल अबाउट दिस फिल्म देखिए मेरा सबसे बड़ा इसमें ये योगदान है कि 100 डेज अब फिल्में करती नहीं क्योंकि फिल्में 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ कभी कभी वो करती थोड़ा कम है ये तो सब आपको मालूम है पर बता देते हैं कि 1000 करोड़ हो गया 2000 करोड़ भगवान करे खुश रहें वो लोग लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये है कि 100 डेज इसके बावजूद कि हॉटस्टार पे फिल्म पिछले कई हफ्तों से चल रही है हमारे शोज़ फुल जा रहे हैं इसका मतलब है कि जो लोग जिन आप लोगों ने जो इसको देख रहे हैं जो आपने इस फिल्म को प्यार दिया है वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है मच मोर देन एनीथिंग एल्स सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन ऑल ऑफ यू हु हैव सीन दिस फिल्म एंड टॉक्ड अबाउट इट थैंक यू अरे मुझे बेस्ट डायरेक्टर भी मिला यार तुम मुझे तो पूछे नहीं बेस्ट फिल्म भी मिला ऐसा कहता यार मेरे को तो तुम पूछा ही नहीं हमारी फिल्म को बेस्ट फिल्म मिला है बेस्ट डायरेक्टर साहब आपके सामने खड़े हैं हाँ और मुझे भी अवार्ड मिला है बेस्ट एडिटिंग को भी मिला है सर को 4 अवार्ड्स मिले बेस्ट अडैप्टेड स्क्रीन प्ले बेस्ट फिल्म बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट एडिटर तो आई थिंक ये अनप्रीसीडेंटेड है कि कोई एक इंसान को एक पर्टिकुलर फिल्म फेयर के एडिशन में या किसी भी अवार्ड एडिशन में
चार अवार्ड्स मिले, तो ये सवाल एक्चुअली आपको सर से पूछना चाहिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली आई एम वेरी थैंकफुल टू फिल्म फेयर, आई हैव टू से दिस ऑन रिकॉर्ड, मैंने बोला नहीं है, आई एम सो थैंकफुल, इट वॉज सच ए प्लेजेंट सरप्राइज एंड थैंक यू सो मच, आई मीन रियली आई एम वेरी वेरी मूव्ड, थैंक यू फिल्म फेयर. See, for me, the journey, people have changed, our way of looking at cinema has changed, but what is very, very important is that you should not change. I have tried not to change. I'm still here celebrating 100 days with my crew. It's very important that we don't change, because the tragedy is that when we change, then everything changes. So that's what I believe. मैं बहुत खुश हूँ इस फिल्म का हिस्सा बनी, मैं उसी में इतनी खुश थी, ये जो सक्सेस मिला ये तो बोनस ही है, बट बहुत ही इनक्रेडिबल जर्नी रही है विदु सर के साथ काम करके, कास्ट के साथ काम करके, आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू. गाइस आप लोग क्या कहेंगे, आप दोनों से सवाल है? अरे इसका तो वो एक्टर वाला सवाल रह गया. नहीं नहीं, बेस्ट एक्टर का सवाल पूछो ना. आई थिंक जवाब जो है हम सब ने दे दिया है, सर ने दे दिया है कि इट इज़ आई एम रियली थैंकफुल टू फिल्म फेयर, और ये एक्चुअली यू नो एंटिसिपेट नहीं किया था, पर ये जो रिकग्निशन मिली है ऑडियंसिस की तरफ से और फ्रिटर्निटी की तरफ से, आई थिंक दिस इज़ अ पैट ऑन योर बैक, जिसके लिए आई थिंक हर क्रिएटिव आर्टिस्ट मेहनत करता है, काम करता है, एंड दी ऑडियंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली. जैसे आपने सवाल पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, कि इन दी एज ऑफ 100 crores, इन दी एज ऑफ मल्टीप्लेक्सेज, एक्चुअली पिछले 10-12 सालों में जो हमारा फिल्म मेकिंग और फिल्म वॉचिंग ट्रेंड बदला है, उसके बावजूद आज हमारी फिल्म 100 days कर रही है, आई थिंक ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हैं, ये बहुत कम होती हैं आज के दौर में. तो जैसे मेधा ने भी कहा कि इस खूबसूरत फिल्म का, इस जर्नी का हिस्सा होना ही उसमें एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है. आप दोनों से सवाल रहेगा, जिस तरह आप दोनों का किरदार है, जिस तरह आपने पैक किया इनको, इस तरह का फ्रेंडशिप, इस तरह का फ्रेंड लाइफ में होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है. आप अगर ये किरदार निभाते आप कुछ बताना चाहोगे अपने किरदार के बारे में? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और पूरे जगत का, कि इस भाव को सर के इतने ये बड़ा भाव है ट्वेल्थ फिल्म में जो सर ने देने की कोशिश की, और सब ने समझा, उसको सराहा, सफलता मिली, अवार्ड्स मिल रहे, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है. और इस फिल्म के बाद जिस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी संभव, मेरे लिए तो ऐसी भाव जगह, जहाँ तक कहानी में लिखा हुआ है, भाव में लिखा हुआ है कि एक एक्टर एक कैरेक्टर के थ्रू आप किसी की सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो भाव तो कहीं ना कहीं हम सब में होता है, कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं चीज़ों को बदलते हुए, देखते हैं किसी के साथ ऐसा गलत हो रहा है या सही हो रहा है, उसमें आप अपना सपोर्टिंग हैंड देने की कोशिश करते हैं, अपने भाव के साथ दूसरे के भाव को जीने की कोशिश करते हैं, अपनी अंदर की इच्छाओं के साथ दूसरे की इच्छाओं को जीने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर सर ने उतनी खूबसूरती से वो चीज़ लिखी थी कि सामने लिख के आई, दिख के आई, और वही भाव अपने आप को खुश रखने वाला होता है कि जो मुझे ना मिला किसी दूसरे को मिले, तो उसमें भी एक जीत होती है. किसी एक की जीत है तो हजारों भेड़ बकरी की जीत है. सर ऑलमोस्ट हर बार ही, लेकिन अगर हम 12th फेल की ही बात करें तो मेरे लिए एक्चुअली एक रीस्टार्ट मोमेंट ही था मेरे करियर में, क्योंकि सच अगर कहें तो जब सर ने मुझे कहा कि तुम मनोज का रोल प्ले करोगे, इन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी कि तुझे कोई नहीं जानता, बहुत सारे लोग तुझे नहीं जानते, तू तो काम कर रहा है इतने सालों से, लेकिन वो सच है. वो भी एक मेरा रीस्टार्ट मोमेंट था कि इतने बड़े डायरेक्टर के साथ, इतनी बड़ी कहानी के साथ, जो किताब ऑलरेडी एक कल्ट फॉलोइंग जिसकी ऑलरेडी हो चुकी थी, उसको अडेप्ट करके एक फिल्म में बनाना, इतनी कमाल की टीम के साथ काम करना, वो भी मेरे लिए एक रीस्टार्ट मोमेंट ही था. आई हैड टू गो बैक, आई हैड टू अनलर्न सो मेनी थिंग्स, एंड आई लर्न सो मेनी थिंग्स विद सर. मैं सर के साथ लगभग 2.5 साल से था उस फिल्म पर, तो वो रीस्टार्ट मोमेंट हर रोज़ होता है, यू नो, हर अलग सेट पे होता है, यू नो, एवरी डे यू वेक अप इज़ अ रीस्टार्ट मोमेंट. थैंक यू. नाउ वी विल गेट रियल मनोज. यस कम. यू गाइस स्टैंड हियर. वेयर इज विकास? बेटा विकास बोल रहा हूं. विकास किधर है? कोमल विकास है वो.
नहीं एक मिनट विकास सर को क्या बराबर एक दो तीन चार पाँच होंगे तो ही अरे गेट विकास यार से अनुजा गेट विकास क्विकली ला ठीक है जा स्लो मोशन नहीं करो क्या हो रहा है वहाँ भी हॉटस्टार का टॉप चल रहा है कम कम विकास कम कम एक्चुअली विद विनोद चोपड़ा जी ने जो एक बहुत बड़ी स्तर पर कहानी ली थी वो सारे देश की कहानी थी क्योंकि हर एक हारे हुए व्यक्ति की हर एक संघर्ष करते हुए व्यक्ति की कहानी थी और इसीलिए मुझे लगता है सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया। हमने विदु जी को और उनकी टीम को काम करते हुए देखा है कैसे उन्होंने चार पाँच साल लगातार मेहनत की और इसको प्रमाणिक बनाए रखने के लिए ईमानदारपूर्ण बनाए रखने के लिए मेहनत की। अनुराग जी ने जो उपन्यास लिखा था और अनुराग जी लगातार विदु जी के साथ काम करते रहे वो अविस्मरणीय था क्योंकि वो एक कहानी ऐसी थी जो हर गली मोहल्ले की थी लेकिन फिर भी उसको जिस अंदाज में बोला गया उससे सभी लोगों को अच्छा लगा। विकास सर ने लगातार इस पूरे मुहिम में हम लोगों को मार्गदर्शन किया। मुझे लगता है कि श्रद्धा और मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे माध्यम से काफ़ी बड़े देश की कहानी कही गई और लोगों ने सराही लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा तारीफ की। 100 दिन पूरे हो जाने पर और वो भी तब जब OTT पे ऑलरेडी आ चुकी है ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि इसमें पूरी 12th फेल टीम की बहुत बड़ी मेहनत का कारण है। सबको बहुत बहुत बधाई। श्रद्धा जी आप क्या कुछ कहना चाहोगे जिस तरह फिल्म के बाद हर एक लड़की का सपना होता है कि अपनी लाइफ में एक श्रद्धा जी वो जो हमको बैक करे हमारे सक्सेस से लेके डाउनफॉल से लेके सक्सेस बैक करे आपका जो किरदार है इतने अच्छे से निभाया गया है मैम की तरह आप कुछ बताना चाहोगे अपने किरदार के बारे में? नहीं मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक प्यारी अनुभूति भी है और बहुत अच्छा है। जिस समय जब ये कहानी लिखी गई थी अनुराग जी के द्वारा और जब विदु सर ने इसको अडॉप्ट किया तब उन्होंने जब शुरुआत ही की तो उन्होंने इसी भाव से ये शुरू किया था कि एक्चुअली श्रद्धा और मनोज ये कोई एक नहीं वो आपको हर घर में वो कहानी दिखेगी हर रिश्ते में वो चीज़ें दिखाई देंगी और इसीलिए सोसाइटी चल रही है। आई थिंक जो 100 डेज ये पूरा कर रही है और जिस तरीके से इसको हर फील्ड से अप्रिसिएशन मिल रहा है उसका कारण ये है कि हम सब महसूस कर रहे हैं कि ये सब हम जी रहे हैं कहीं ना कहीं हम रिलेट कर रहे हैं। तो जो सामान्य घरों से निकले हुए बच्चे हैं या जिस तरीके के रिश्ते हैं वो चाहे श्रद्धा मनोज का हो या फिर माँ और मनोज का हो या फिर फादर और मनोज का हो तो वही सारे रिश्ते हमारे साथ चल रहे और इस कहानी के साथ सब जुड़ गए हैं। तो विकास सर शुरू से कोचिंग में जहाँ पर हम लोग साथ में सर के साथ में हमने पढ़ाई शुरू की और आज जो जर्नी पूरी की और अब इस मूवी ने जो 100 डेज पूरे किए हैं आई थिंक विदु सर ने जिस नज़रिए से शुरुआत की थी और जहाँ तक पहुँचाया है तो हम लोग सब बहुत खुश हैं और जिस तरीके से सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट किया है और सर ने जो बोला था कि ये जो सिंप्लिसिटी है ये एक साधारण सी कहानी ही इसको असाधारण बना गई तो बहुत बहुत खुशी की बात है एंड थैंक यू वेरी मच। अनुराग पाठक हैं जिन्होंने नहीं ये मुद्दा मैं पहले कह रहा हूँ कि ये मुद्दा ये था कि क्या आज समाज में ईमानदार चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाएगा। समाज उतना संवेदनशील है और ये हम सबका विश्वास था कि समाज संवेदनशील है और जो अच्छाई है समाज के जो ईमानदारी को लेकर के मापदंड है वो पूरे माने जाएंगे। और मुझे लगता है विक्रांत ने जिस तरह की एक्टिंग की मैदान ने जिस तरह की एक्टिंग की वो ऐसा था कि कहीं अंतर नज़र ही नहीं आ रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कि वो फिल्म नहीं बना रहे हैं एक्टिंग नहीं कर रहे बल्कि जी रहे हैं। उसके सफल होने की बहुत संभावनाएं थी और वो हुई भी।
ये अनुराग जी हैं जिन्होंने लिखी किताब, इनसे पूछिए कि क्या भुगता इन्होंने कहानी जब किताब की। मैं आपसे पूछता हूँ सर कि आपने तो किताब लिखी थी, जैसे जब हम उसको स्क्रीन प्ले कर रहे थे तो आपकी क्या हालत हुई बताइए। 4 साल सर के साथ स्क्रीन प्ले पर हम लोगों ने काम किया, विकास सर भी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत मेहनत, एक व्यक्ति कितनी मेहनत कर सकता है वो हमें विधु विनोद सर से सीखना चाहिए। कोरोना काल में भी सर ने बहुत मेहनत की, उसके बाद भी मेहनत की, और किस तरह से एक किताब को, एक उपन्यास को पर्दे पर कैसे उतारा जा सकता है ये सर ने किया है। और इतनी ईमानदार, इतनी सच्ची, इतनी संवेदनशील फिल्म इन्होंने बनाई है, हम लोग सब देख ही रहे हैं। 100 दिन हो गए और हर किसी के दिल में उतर रही है, क्योंकि दिल से बनाई गई है, ईमानदारी से बनाई गई है। मैं विधु विनोद सर का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस कहानी पर फिल्म बनाई और आप सभी को पसंद आई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अंत में विक्रांत जी से पूछ रहे, विकास दिव्यकृति सर से पूछूंगा कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो जिस वक्त आप ये फिल्म के सीन में वो सीन कर रहे थे पढ़ाने का, उसमें और रियल पढ़ाने में क्या अंतर है विकास सर? नहीं, मेरा तो पढ़ाने का वैसे स्टाइल है, और डायलॉग्स भी सर ने मुझे पूरी आज़ादी दी कि मैं खुद ही लिखूं अपने, तो जो मैंने अपने लिए लिखा वही बोला। और कुल मिला के फिल्म की कहानी ईमानदार थी, बनाने का प्रोसेस बहुत ईमानदार था, और जिस दिन फिल्म पहली बार मैंने देखी थी मैंने उस दिन सर से एक वाक्य बोला था, मैं अभी भी उस पर कायम हूँ, और इस फिल्म का सफल होना ही था। तो 100 दिन हो गए, मुझे इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं लग रही है, ये तो होना ही था मेरे ख्याल से। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म जो है, इन्होंने कहानी नहीं लिखी होती उपन्यास तो नहीं बनता, मनोज और श्रद्धा नहीं होते तो कहानी नहीं बनती, लेकिन ये कहानी बनने के बाद अगर विकास जी विकृति सर नहीं होते तो ये फिल्म नहीं बनती, ये मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, जिसका मैं बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता सर। थैंक यू सो मच। Yes, yes, yes.